न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद कस्बे से रामतलाई मंदिर से मकर संक्रांति उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित 42वां हिंदू सम्मेलन पर कड़ी सुरक्षा के बीच गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः रामतलाई मंदिर पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुई, जहां पर वक्ताओं ने हिंदू एकजुटता पर बल देते हुए लोगों को राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा का संकल्प दिलाया। शोभा यात्रा में हजारों भक्त हाथ में भगवा झंडे के साथ तिरंगा लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाते रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इस कार्यक्रम के हम आयोजक भी हैं, संयोजक भी हैं और हिंदुओं को संगठित करने के लिए पर्व के रूप में मनाया जाता है 14 जनवरी, और ये 41 वर्षों से काम चल रहा है और ये 42वां वर्ष इस बार इसकी 42वीं वर्ष चल रही है। इसको हम लोग हिंदू समाज के लिए, अपने गरीब परिवार के लिए, सभी बिरादरी के सिर्फ सभी अपने हिंदू समाज बटे नहीं, इसके लिए कोशिश की जाती है और खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया जाता है और रामतलाई मंदिर से धीरे धीरे शोभा यात्रा निकलवा करके थाने मोड़ से सीधे अंबिका लालूगंज चौराहा होते हुए अंबिका जी जाते हैं। अंबिका जी के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे फिर वापसी होती है और जीटी रोड तिराहा से होकर सरकारी बस स्टैंड से पुनः रामतलाई में आते हैं और फिर इसमें सभी बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और अच्छे अच्छे धर्म सभा होती है जिसमें संत महात्मा भी लोग आते हैं और अपनी अपनी सूझबूझ देते हैं कि हिंदुओं के विषय में क्या उचित रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, संगठित करने का काम करते हैं।